हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। राम राम जी सारा ने। आज बना रही हूँ मैं मखाना चाट, जो कि वेट लॉस के लिए भी बहुत फायदेमंद है और व्रत में भी खाई जा सकती है, नवरात्रे के व्रत में भी और वैसे भी टेस्टी और हेल्दी। मैंने गैस ऑन कर लिया, कढ़ाई रख दी। अब इसके अंदर डालेंगे हम लगभग एक कटोरी मखाने और इसको रोस्ट कर लेंगे। ये अब हमारी रोस्ट हो चुकी है, बिल्कुल हल्का सा कलर चेंज होते ही गैस बंद कर देंगे। ये मैंने गैस बंद कर दी है। अब लेंगे हम एक बाउल, इसके अंदर डालेंगे दही। और इसके अंदर डालेंगे ये सेंधा नमक। काली मिर्ची थोड़ी सी, और इसको फेंट लेंगे। एकदम स्मूथ हो जाएगी। अब लेंगे हम एक सेब, छिलका उतार लिया, इसको कद्दूकस कर लेंगे। अब ये मखाने हमारे ठंडे हो गए हैं, अब हम इसके अंदर मखाने डालेंगे। ये आप कम ज्यादा डाल सकते हो, और मीठे के लिए ये कद्दूकस किया हुआ सेब डालेंगे इसके अंदर। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये खाने में खट्टा मीठा टेस्ट देगी और पेट भी फुल कर देगी और वेट भी नहीं बढ़ेगा। व्रत में कुछ अलग खाने का मन होता है तो ये जरूर बनाएं। अब इसके ऊपर कुछ अनार डाल लें। इसके साथ ही डालें ये सिर्फ धनिया, हरी मिर्ची और व्रत वाला नमक डाल के ही चटनी बनाइए। और इस कलर की चटनी रहे इसके लिए इसके अंदर 2 आइस क्यूब डाल लें आप जब बनाएं। अब इसके ऊपर डाल दें 1 चम्मच शहद। इसका टेस्ट उभर का आएगा एकदम। और अब हमारी ये मखाना चाट रेडी है। ये मखाना चाट रेडी है। आप मेरी रेसिपी देख के बनाना जरूर, और इसको व्रत में वेट लॉस में खाना और बताना कैसी लगती है आपको मेरी रेसिपी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।